हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एक किसान में। तो किसान भाइयों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं गन्ने के बारे में। मैंने जो है अभी रिसेंटली अप्रैल के महीने में ही गन्ने का एक खेत तैयार किया है। मैंने 1 एकड़ में जो है एक गन्ने का एक नया बीज रखा है। तो मैं आपको वो वाला खेत दिखाऊँगा और साथ में दिखाऊँगा जो गन्ना मैंने नवम्बर और दिसंबर के महीने में रखा गया है वो कितना बड़ा हुआ है और वो कैसा है अभी इसके मुकाबले। तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, आप जो ये गन्ना देख रहे हैं ये जो है अभी अप्रैल के महीने में रखा गया है। अभी इसको मात्र 20 से 25 दिन ही हुए होंगे इसको रखे, और आप देख सकते हैं कुछ अभी ये इतना बड़ा हुआ है। इसमें दोस्तों जो है रखते टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सावधानियां रखनी होती हैं। मैं आपको उसके बारे में एक वीडियो अलग से बना के दे दूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो गन्ना साइड का है ये कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है। इसका कुछ रीज़न है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गन्ना नवंबर से दिसंबर के बीच में रखा गया है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले, मतलब कि सही टाइम पर रखा गया है। और ये जो गन्ना है अपना ये लेट रखा गया है गर्मियों के टाइम पर। किसान भाइयों, देखना ये है कि ये जो अपना छोटा वाला गन्ना है ये इसके मुकाबले ही, इसके बराबर ही रिज़ल्ट देता है या नहीं देता है, या इससे कम देता है, क्या कुछ होता है वो सारा कुछ दिखाऊंगा। अभी जो है मैंने एक एज अ चैलेंज लिया है, आप कह सकते हैं कि ये वाला जो गन्ना है अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मैं इसको बरसात के सीज़न तक इसको इसके बराबर करके छोड़ूंगा। तो अब देखते हैं कि ये हो पाता है या नहीं हो पाता है, और इसमें मैं क्या क्या केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करता हूँ वो सारी कुछ आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको चैनल से कनेक्ट रहना है और चैनल से जुड़े रहिए। और अभी ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटा है, अभी कहीं कहीं पर तो ये मात्र निकलते हुए आ रहा है, आप देख सकते हैं ये। और अभी जो है मैंने इसमें कुछ दिन पहले ही ये खाद डलाया था, इसमें खाद का छिड़काव कराया है, आप देख सकते हैं। और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, जो गन्ना जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बाहर आ गया है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी गन्ने की खेती कर रहे हैं या आपने भी अप्रैल के महीने में अभी गन्ना रखा है, यानी कि सीज़न से काफ़ी लेट रखा है टाइम से उसके, तो आप चैनल से ज़रूर कनेक्ट रहिएगा। मैं एक एक चीज़ का आपको अपडेट देता रहूँगा। मैं जो भी एक्टिविटी करूँगा इसके साथ, जो भी मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह, जो भी हल वगैरह चलेंगे वो सारा कुछ आपको दिखाऊँगा। तो उसके लिए आपको चैनल से कनेक्ट रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।